पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है। हमने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन तरीके से इन्होंने समय समय पर हर डिपार्टमेंट में हर प्रोजेक्ट में पैसे खाए, उसका करप्शन किया और उसका एक तरीके से रिजल्ट ये हुआ कि आज पूरी दिल्ली गंदी है। आज पूरी दिल्ली के कोने कोने में किसी भी गली में आप जाएं, आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी मिलेगी, कूड़े मिलेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि पिछले 5 महीने 6 महीने से ये एमसीडी की ज़मीनें बेचने लगे हैं, क्योंकि अब एमसीडी पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है, तो जो एमसीडी की ज़मीनें हैं वो बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। इनकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होनी है और उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दो ऐतिहासिक चीज़ें, एक तो सबसे पहली चीज़ एक विद्यालय है शालीमार बाग में, हमने पहले भी एक बताया कि शालीमार बाग में एक स्कूल और है इनका, उसको तो इन्होंने बेच ही दिया। एक शालीमार बाग में और एक स्कूल की जगह है, स्कूल तो ऑलमोस्ट एक तरीके से मंदिर होता है, उसकी ज़मीन को बेचने का प्रस्ताव ये लेके आ रहे हैं। यूवी ब्लॉक के अंदर जो एक ज़मीन है उसको बेचकर प्राइवेट पार्किंग ठेकेदारों को बेचा जा रहा है। इसी तरह से एक एनजीओ है जो कि ओल्ड एज के लोगों के लिए है, उनकी जो जगह है ओल्ड एज होम जो दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं उसको भी ये बेच रहे हैं प्राइवेट लोगों को, स्कूल बेच रहे हैं, बुज़ुर्गों का घर बेच रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि अब उनको दिल्ली के अंदर नहीं आना है और इसलिए अब वो दिल्ली की जो बची कुची एमसीडी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी ओल्ड एज हैं, जो भी और भी ज़मीनें हैं वो सारी की सारी बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। अगले 10-12 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये स्कूल और ये मनोरंजन जो बुज़ुर्गों का मनोरंजन केंद्र है ये दोनों चीज़ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या उनके रिश्तेदार या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको खरीदने की कोशिश में हैं। आम आदमी पार्टी इन दोनों प्रस्ताव का पुरजोर तरीके से विरोध करती है।